गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव ISPCS में आप सभी का स्वागत है। अमोल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है आपका। एक बार फटाफट से जुड़ जाइए सभी ताकि क्लास को हम आगे स्टार्ट कर पाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल की क्लास हमारी नहीं हो पाई थी, आप सभी को पता है, जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले क्लास में भी बताया था जब हम वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन कर रहे थे कि भारत सरकार के द्वारा ऑरेंज जो अलर्ट है वो जारी किया गया था पूरे उत्तर भारत के अंदर, जहां कहा गया था कि भारत के जो उत्तरी राज्य हैं उनके अंदर भारी बारिश होने की संभावना है। एक हैवी रेन जो है यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर होने की संभावना है, ऐसे पहले ही भारत सरकार के द्वारा चेतावनी दी गई थी। और जैसा कि आप सभी देख भी रहे हैं, जो लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जितने लोग रह रहे हैं, उन सभी को पता है कि मौसम जो है खराब है, जिसकी वजह से कल हमारी जो क्लास है वो नहीं हो पाई थी। और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो ऑलरेडी रह गया था, हम भारत श्रीलंका के संबंधों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, आज इसको खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। इस सेशन को, इस टॉपिक को आज की इस क्लास के अंदर हम खत्म करने वाले हैं। भारत और श्रीलंका के संबंधों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, इसी को ही कंटिन्यू हम करने वाले हैं अपनी इस क्लास के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं यहां से, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जो आरोहण बैच है, जो भी स्टूडेंट स्टेट बीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी और आरएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आरोहण बैच जो है शुरू किया गया है। क्लासेस जो है शाम में 4 बजे से शुरू हो जाती हैं। डेडिकेटेड क्लासेस, बेसिकली स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड क्लासेस जो है 4 बजे के बाद से हमारी पीसीएस की क्लासेस शुरू होती हैं। टाइम टेबल की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे यूपीएससी के लिए हमारा शेड्यूल क्या रहता है। सुबह 7 बजे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले करंट अफेयर की क्लास होती है। करंट अफेयर की क्लास में आप जुड़ेंगे आजाद सर के साथ। उसके बाद करंट अफेयर के लिए ही एडिटोरियल का डिस्कशन भी होता है। 10:30 बजे एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास रहती है, जहां पे मदन सर आप लोगों को प्रॉपर वे से समझाते हैं। आप सभी को पता है एडिटोरियल डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल डिस्कशन से एक समझ विकसित होती है, आंसर राइटिंग स्किल आसान होती है, जहां पे हमें कई सारे नए विचार मिलते हैं, जिसको हम एक नई डायरेक्शन से किसी मुद्दे पे सोच सकते हैं एडिटोरियल के माध्यम से, ठीक है। और 8:30 बजे आप मुझसे जुड़ते हैं, जहां पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, भारत के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध हैं, कैसे भारत अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं, किसी भी राष्ट्र के लिए कौन कौन से पॉइंट्स जो है कंसर्न करता है, उन सारी चीजों पे हम जिस चर्चा करते हैं हमारी IR की क्लास में। 9:30 बजे इंडियन इकोनॉमी की क्लास होती है। 12 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास रहेगी। 1 बजे साइंस एंड टेक की क्लास होती है। 2 बजे CSAT की क्लास रहेगी और 3 बजे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की क्लास रहने वाली है। और यूपीएससी की हिस्ट्री की क्लास रात में 10 बजे होती है, ठीक है जी। एंड बात कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, बीपीएससी की और आरएस की। प्रदीप कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम टू यू ऑल। भाई सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हमारी कल क्लास नहीं हुई थी, परसों संडे था, संडे को हमारी IR की क्लास नहीं होती है, वीकली करंट अफेयर होता है हमारा संडे को, ठीक है। भारत सिंह महोर, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, स्वागत है आपका क्लास में। एक बार सभी अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फटाफट से सेशन को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट हमसे जुड़ पाए। रीजन क्या है भाई, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, संडे वीकली करंट अफेयर का टाइम था, तो 2 दिन के गैप के बाद वापस हम मिल रहे हैं अपने सेशन में। तो बीपीएससी और आरएस के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, शाम में 4 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है, 5 बजे साइंस एंड टेक की क्लास होती है, 6 बजे CSAT की क्लास रहेगी और 7 बजे इंडियन पॉलिटी में आप मुझसे जुड़ेंगे, जहां पे हम चर्चा भी कर रहे हैं पार्लियामेंट के ऊपर, आज क्लास रहने वाली है। उसके अलावा हिस्ट्री की क्लास होती है पीसीएस के लिए शाम को 8 बजे, ठीक है। सो ये है पूरा शेड्यूल हमारा बीपीएससी का। उसके अलावा जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान स्पेशल के लिए, कलाम सर आप लोगों को राजस्थान के बारे में बताने वाले हैं। राजस्थान की क्लासेस जो है रात में 9 बजे होने वाली है। यहाँ पे प्रॉपर वे से कल्चर क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स के क्या क्या मुद्दे हैं राजस्थान के, वो सारे आप राजस्थान स्पेशल में देख सकते हैं। उसके अलावा जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए ताकि हम सारी की सारी क्लासेस से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को टाइम से मिल जाए, नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप क्लासेस का लाभ उठा सकें, ठीक है।
बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात यह है कि भाई हमने कई दिन पहले श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के संबंधों के ऊपर चर्चा करनी शुरू की थी। आज इस क्लास को हम शुरू कर लेंगे, ठीक है। सो भारत और श्रीलंका के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत की और श्रीलंका के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की हमने बात कर ली। इतिहास से अगर मैं बात करूं तो भारत के 2500 साल पुराने संबंध रहे हैं श्रीलंका के साथ। भारत के पुराणिक कथाओं में आप चर्चा जो है श्रीलंका की सुनेंगे, जहां पे भगवान राम जो है माता सीता का हरण जब रावण के द्वारा कर लिया गया, तो वो श्रीलंका से ही माता सीता को लेके आते हैं बचा के। राम सेतु के माध्यम से यहाँ पे वानर सेना के सहयोग से भगवान राम जो है श्रीलंका से माता सीता को लेके आते हैं। तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी, रामायण में भी यहाँ पे श्रीलंका का की चर्चा होती है। ये सब चीजें आप लोग यहाँ से अच्छे से जानते हैं। ये सारी बातें हम ऑलरेडी अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। प्री इंडिपेंडेंस रिलेशंस कैसे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेशन कैसे रहे हैं हमारे श्रीलंका के साथ, इन पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड की बात की थी, जहां पे राजीव गांधी और जयवर्धने जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक अकॉर्ड साइन हुई थी। इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। इसके हमने सारी के सारे प्रावधान देखे थे। 13th अमेंडमेंट क्या है, इस पे हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। सो इसको वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या इशू है भारत और श्रीलंका के बीच में, हम पढ़ चुके हैं। तमिल समस्या के अलावा मछुआरों की समस्या है, कच्चातीवो आइलैंड की समस्या है भारत के बीच में, ये लोकेशन हमने देखी थी कच्चातीवो आइलैंड की, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा था कि पॉलिटिकल टर्मोइल के समय पे भी, जहाँ पे जो राजनीतिक अस्थिरता के समय पे भी हमने सपोर्ट देखा था भारत की तरफ से कई, जहाँ पे जब भी जरूरत होती है भारत जो है श्रीलंका के सामने नजर आता है, ठीक है। सो ये चाइना के इन्फ्लुएंस, जहाँ पे चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। भारत और श्रीलंका के संबंधों में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है, यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि चाइना का जो है बेसिकली इम्पोर्ट 18.5% है, ठीक है। सो यहाँ पे चाइना से जो इम्पोर्ट श्रीलंका करता है वो 18.5 है, जबकि भारत से 19% है, और सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भारत है। आप देखेंगे बहुत कम गैप है दोनों में, और जो नजदीकियां हैं बढ़ती हुई चाइना के साथ में श्रीलंका की, ये भारत के लिए जो है बेसिकली अगर मैं बात कहूं तो यहाँ पे चिंता का विषय है, ठीक है। सो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास चाइना लगातार कर रहा है, उसमें श्रीलंका का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। श्रीलंका की जो लोकेशन है उसका बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो यहाँ पे आज हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के आर्थिक संबंधों पर, पहले हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में एक चीज याद रखिएगा, 2000 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। दोनों ही देश जो है एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस में डीपर टाई दोनों के बीच में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच में 2000 के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। मुक्त व्यापार समझौता हुआ दोनों देशों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे व्यापार को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए सेपा एग्रीमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे सेपा एग्रीमेंट जो है बेसिकली दोनों देशों के बीच में किया गया, ठीक है। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इनिशियल लेवल पे हमारे जो व्यापारिक रिश्ते थे वो बेहतर हुए। यहाँ पे इन रिश्तों को और ज्यादा बेहतर करने के लिए सेपा एग्रीमेंट, समग्र आर्थिक सहभागिता समझौता, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है दोनों देशों के बीच में किया गया, ठीक है। सो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बेसिकली दोनों देशों के बीच में यहाँ पे किया गया था। यहाँ दक्षिण एशिया के अंदर कंप्लीट जो है भारत और श्रीलंका सबसे ज्यादा अपने संबंधों को, आर्थिक सहभागिता को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को दोनों देश जो है यहाँ पे इन एग्रीमेंट्स के माध्यम से दोनों देश बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ देश जो है ये जो सेपा एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, स्पेशली श्रीलंका के लोग जो है इसको श्रीलंका के अगेंस्ट समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कई श्रीलंका के लोग जो है इसको अपने बेनिफिट्स के अगेंस्ट सोचते हैं, अपने हितों के अगेंस्ट में सोचते हैं, ठीक है। जबकि वास्तविकता क्या है यहाँ पे, एक्चुअल सिचुएशन ये है
कि अगर दोनों देशों के बीच में ये जो सेपा एग्रीमेंट है, यहाँ पे अगर दोनों देशों के बीच में व्यापारिक रिश्ते बेहतर होते हैं तो दोनों ही देशों को लाभ होगा इससे, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक टर्म्स में, तो टूरिज्म का अगर क्षेत्र की बात करती हूँ तो दोनों देशों के अंदर टूरिज्म जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। श्रीलंका के जो टूरिस्ट हैं भारत के अंदर, लगभग भारत के टूरिज्म का 20% श्रीलंकन जो है भारत के अंदर टूरिज्म में के माध्यम से भारत के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो मतलब 20% भारत के 100 में से 20% जो टूरिस्ट भारत में आते हैं वो श्रीलंका से आते हैं, ठीक है। ऑन द अदर भारत जो है श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट पार्टनर है। भारत की तरफ से मैक्सिमम लोग जो है हर साल बेसिकली श्रीलंका की यात्रा करते हैं, ठीक है। ना केवल टूरिज्म, ना केवल पर्यटन, बल्कि सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, साइंस सेक्टर में, इकोनॉमिक सर्विसेज में, उसके अलावा नॉन इकोनॉमिक नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, हेल्थ में, होटल इंडस्ट्री में, रिटेल सर्विसेज के अंदर, इन सारे ही क्षेत्रों के अंदर श्रीलंका और भारत की जो साझेदारी है वो बेहद बेहतर है। इसीलिए भारत और श्रीलंका को अपने संबंधों को, आर्थिक संबंधों को बेहतर करने के लिए ये जो समझौते भारत और श्रीलंका के बीच में किए गए हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है। स्पेशली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, मुक्त व्यापार समझौते से हम लोग शुरू हुए थे, उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की तरफ हम आगे बढ़े, ये एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद अभी जो है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है दोनों देश एक दूसरे के साथ करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इसके माध्यम से दोनों देश जो है FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो पहले दोनों देशों के बीच में हुआ है इसको और ज्यादा एक्सटेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, और ज्यादा विस्तारित करने का दोनों देश जो है यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली कहा गया है कि पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो युद्ध के बाद की सिचुएशन है श्रीलंका के अंदर, भारत उसके अंदर एक स्पेशल रोल प्ले करना चाहता है, एक बड़ा इन्वेस्टर भारत उभर के सामने आना चाहता है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। सो स्पेशली भारत से यहाँ पे क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा होगा, भारत को यहाँ से फायदा होगा कि भारत का ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है, भारत के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत क्या कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए प्रयास कर रहा है, और जिसके माध्यम से मेक इन इंडिया माध्यम से भारत क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, भारत के अंदर बेसिकली प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सो सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, यहाँ पे आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था 2014 के अंदर, ये बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, ठीक है। अब इस प्रोग्राम से हमने डेवलपमेंट तो कर ली, ठीक है, प्रोडक्शन तो हमने शुरू कर लिया, भारत में निर्माण कार्य तो शुरू कर लिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। अगर हमारे श्रीलंका के साथ संबंध बेहतर होंगे तो हमारा ये जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम इतनी सारी डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इनको कोई मार्केट भी तो चाहिए। अगर हमारे संबंध FTA से ज्यादा आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को विस्तारित करते हैं तो यहाँ पे भारत को एक बढ़िया मार्केट भी मिलेगा, ठीक है। सो भारत अपना सप्लाई चेन यहाँ पे बढ़ाना चाहता है श्रीलंका के अंदर, इसीलिए पोस्ट वॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भारत जो है अहम रोल प्ले करना चाहता है श्रीलंका के अंदर, और यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चाहता है भारत कि वो श्रीलंका के अंदर करे, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी इंडियन गुड्स की सप्लाई चेन को बढ़ा सकता है ETCA के माध्यम से। सो इसीलिए इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है भारत के लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है। So, ये दोनों ही देशों के लिए बहुत जरूरी है। भारत को मार्केट मिल जाएगा, भारत के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हमें सीधे सीधे मार्केट मिलेगा, एक बढ़िया सप्लाई चेन हम जो है दोनों देशों के बीच में कर सकते हैं, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ ये हो जाएगा कि श्रीलंका जिसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है उसको भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट के तौर पर भारत जो है मिल जाएगा, और इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्रीलंका की भी होगी और भारत की भी होगी, ठीक है। इसीलिए दोनों देशों के यहाँ पे ना तो भारत ये जो इकोनॉमिक टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है किसी तरीके से श्रीलंका के ऊपर थोपना चाहता है, बल्कि यहां पे ये सिद्ध करना चाहता है कि ये हम थोप नहीं रहे हैं आपके ऊपर, बल्कि आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, ठीक है। हम आपकी जरूरतों को और आपकी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यहां पे बेसिकली सप्लाई चेन बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है दोनों देशों के बीच में करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या है इस एग्रीमेंट का,
ईटीसी का जो मेन जो जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अब तक हमने क्या किया था, मुक्त व्यापार समझौता किया था, व्यापारिक रिश्ते हमने बेहतर करने का प्रयास किया था श्रीलंका के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे ना केवल व्यापारिक रिश्ते, ना केवल यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से चीजों को एक साथ रखेंगे, बल्कि जो अदर सेक्टर्स हैं वहां पे भी हम जो है एक दूसरे के साथ साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पे टेक्निकल एरियाज के अंदर, ठीक है, तकनीकी क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ हम समझौता करना चाहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं, साइंटिफिक एक्सपर्टीज दोनों देश एक दूसरे के साथ बेसिकली साझा करना चाहते हैं। भारत के एक्सपर्ट श्रीलंका के अंदर जाके अपनी जो है सेवाएं दें, श्रीलंका के एक्सपर्ट भारत के अंदर आके अपनी सेवाएं दें, ठीक है। दोनों देश रिसर्च के अंदर एक दूसरे का सहयोग करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। उसके अलावा हम गुड्स और सर्विसेज का जो बेसिकली ग्लोबल मार्केट के अंदर बोलबाला है उसको कंपीट कर सकें, उस कंपटीशन के बीच में हम खड़े हो सके, इसलिए दोनों देश जो है एक दूसरे की मैन पावर को यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। सो ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो देखो हर जगह, अगर मैं बात कहूं कि छोटे से छोटे स्तर पे भी कंपटीशन है, यहाँ पे अगर आपको अपनी कोई चीज सेल करनी है तो आपको उसको मार्केट के अकॉर्डिंग बनाना होगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स है उनको मीट करना होगा, ठीक है। जब भी आप डेवलपमेंट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएंगे, डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी है कि आप अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखते हुए ही प्रॉपर वे से स्किल दीजिए अपने लेबर को, अपने बेसिकली मैन पावर को, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप अपने मैन पावर को ट्रेन करोगे, जब ये चीजों का निर्माण करेंगे और वो ऐसी चीजों का निर्माण करें जहां पे ये ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करें, और अगर आपके मैन पावर ट्रेंड ही नहीं होंगे, आपका जो लेबर है उसके पास उनको आपने ट्रेनिंग दी नहीं, स्किल दी नहीं, ठीक है, तो ये कैसा, क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, ग्लोबल मार्केट की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर पाएंगे क्या, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कंपटीशन होता है उसमें आपकी चीजें जो आपने बनाई हैं वो खड़ी खरी उतर पाएंगी, नहीं उतर पाएंगी। इसीलिए आपको अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर बने रहना है, उस कॉम्पिटिशन के अंदर बने रहना है, तो दोनों देश क्या करेंगे, दोनों देश जो है अपने अपने मैन पावर की ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सहयोग करेंगे, ताकि चीजों और सर्विसेज का जो निर्माण किया जाए उनके स्टैंडर्ड्स जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तय किए गए हैं, जो मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तय किए गए हैं वो फुलफिल हो सके। इसीलिए हमें ट्रेंड लेबर की जरूरत है, और दोनों देश जो है इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट के माध्यम से इसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि श्रीलंका में कम आय वाले लोगों के लिए कम लागत वाली वस्तुओं को पेश कर, यहाँ पे स्पेशली क्या कहा गया है ना कि श्रीलंका, ठीक है, सो यहाँ पे स्पेशली भारत क्या करना चाह रहा है, जो कम कीमत के चीजें हैं, ठीक है, सो यहाँ पे श्रीलंका में देखो जो लोग हैं उनकी इनकम कम है, ठीक है, सो श्रीलंका में कम आय वाले जो लोग हैं उनको ऐसी चीजों की जरूरत है जिनकी कीमत भी कम हो, ठीक है। सो ऐसा तो होगा नहीं कि आमदनी अठन्ना अठन्नी और खर्चा रुपया, ठीक है, ऐसी बात तो है नहीं, जितनी आय है उसके हिसाब से ही चीजें लोग खरीदते भी हैं। अब श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन है ऑलरेडी खराब है, लोगों की आय कम है, तो इनको ऐसी चीजों की जरूरत है जिनकी कीमतें भी कम है, तो भारत जो है श्रीलंका के अंदर ऐसी चीजें सप्लाई कर रहा है, ऐसे गुड्स की सप्लाई कर रहा है जिनकी कीमतें कम है, ठीक है, कीमतें कम है, इसलिए श्रीलंका के अंदर जो कम आय के लोग हैं उनको खरीद सकें, ठीक है। दूसरा, श्रीलंका जो है खुद को बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार कर रहा है और प्रयास कर रहा है कि भारत श्रीलंका के अंदर एफडीआई करे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत जो है यहाँ पे बढ़ाए। इसके लिए जो भी समस्याएं भारत के सामने आती हैं श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, उन समस्याओं को श्रीलंका जो है दूर करके खुद को ज्यादा एफडीआई फ्रेंडली बनाए, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए, ताकि जो अदर कंट्रीज है स्पेशली भारत जो है एफडीआई बढ़ा सके श्रीलंका के अंदर, ठीक है। यहां पे कुछ कंसर्न्स भी है। पीयूष, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सचिदानंद, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का भाई, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रही है सबको, बढ़िया से समझ आ रही है।
यहाँ पे ये है भारत का पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये है भारत का पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे श्रीलंका का जो लॉबी ग्रुप है वो क्या कह रहा है, वो चिंता व्यक्त कर रहा है, ठीक है, चिंता क्या व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे श्रीलंका के द्वारा कहा जा रहा है, श्रीलंका के जो लॉबी ग्रुप है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो ईटीसी दोनों देशों के बीच में होगा, इसके माध्यम से जो सस्ती लेबर है वो भारत अपनी लेबर को श्रीलंका के अंदर भेज देगा, क्योंकि भारत के अंदर तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, लोगों के पास तो रोजगार ही नहीं है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करना चाहता है, ईटीसीए के माध्यम से भारत जो है अपनी सस्ती लेबर को श्रीलंका के अंदर भेजना चाहता है, ठीक है, स्पेशली जो हमारे आईटी क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे स्पेशली टेक्नोलॉजिकल वर्कर्स हैं, उनको श्रीलंका के अंदर भेज के एक सस्ती लेबर जो है श्रीलंका के अंदर बेसिकली डालना चाहता है, और जिससे श्रीलंका के लोगों को जो लेबर मिल, जो रोजगार मिलता है वो भी उनसे छीन लिया जाए, वो किसको मिलेगा, वो सस्ती लेबर को मिलेगा। इसीलिए जो लॉबी ग्रुप है श्रीलंका का वो चिंतित है कि इस ईटीसीए के एग्रीमेंट से हमें फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ईटीसीए के प्रति हतोत्साहित दिखे हैं कुछ श्रीलंकन ग्रुप, यहाँ पे इन्होंने जो बेनिफिट इससे होने वाले हैं उसके ऊपर डाउट शो किया गया है, ठीक है। सो इन्होंने कहा कि आप जो है भारत के ऊपर ईटीसीए के माध्यम से इतना ट्रस्ट तो कर रहे हैं, बट ये ट्रस्ट करने योग्य नहीं है, यहाँ पे जितने बेनिफिट्स आपको ईटीसीए के दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में इतने बेनिफिट्स है नहीं। आप जो यहाँ पे श्रीलंका के जॉइंट ऑपोजिशन के द्वारा कहा गया, ऑपोजिशन ने कहा कि आप ईटीसीए के लिए, आप ईटीसीए को सामने रखते हुए भारत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो, और इसके अलावा आप श्रीलंका को दरकिनार कर रहे हो, श्रीलंका सॉरी चाइना के को दरकिनार कर रहे हो। चाइना जो है आपको एक लार्ज अमाउंट में बेसिकली एक लिबरल पॉलिसी चाइना की देखने को मिलती है, आप उस उदारता को दरकिनार कर रहे हो इस ईटीसीए को देखते हुए, ठीक है। सो यहाँ पे सही तरीके से सीधे सीधे ओपोजिशन ग्रुप के द्वारा ईटीसीए का विरोध किया गया है, और कहा गया है कि आप चाइना की तरफ देखिए, चाइना की जो पॉलिसीज हैं उनको इग्नोर मत कीजिए, चाइना की उदारता का की अनदेखी मत कीजिए, ऐसा यहाँ पे जो श्रीलंका का लॉबी ग्रुप है उसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। बट यहाँ पे सही तरीके से मगर मैं आपको एक बात कहूं कि यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में ये जो हमने बात कही है ईटीसीए की, ये हम दोनों ही देशों के लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है, दोनों ही देशों को इससे फायदा होने वाला है। हमारे जो आर्थिक संबंध है वो आज के नहीं है, अब से शुरू नहीं हुए हैं, हमने अपने आर्थिक संबंधों को तब से मजबूत करने का प्रयास किया है जब भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, भारत में 1991 में स्पेशली लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, उदारीकरण की जो नीति है वो अपनाई गई थी, जिसके तहत हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में तब्दील कर लिया था, वहां से ही हमने श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया था। सो यहाँ पे भारत इनिशियल लेवल पे हमने देखा कि भारत के साथ हम अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, 2010 के अंदर भारत जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टर भी श्रीलंका के अंदर बना था, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रीलंका अपनी चीजों को आयात भी भारत से ही करता है, तो दोनों देशों के बीच में एक बड़ी समुद्री सीमा लगती है, दोनों देश जो है, दोनों देशों की लोकेशन बेहद यहाँ पे व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी भी है, और यहाँ पे स्पेशली कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है दोनों देशों की लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जो सेवाएं हैं उनको भी साझा कर सकते हैं, व्यापारिक रिश्तों को भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे चीजें जो है हमारे पास बेहद आवश्यक है, ठीक है। सो यहाँ पे भारत जो है प्रॉपर वे से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है श्रीलंका के अंदर, और ये ऑलरेडी किया भी गया है भारत की तरफ से। भारत की जो रेल कंपनी है जिसका नाम है इरकॉन, ठीक है। सो यहाँ पे भारत की जो रेल कंपनी है इरकॉन, उसके द्वारा कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है श्रीलंका के अंदर चलाए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेशली भारत जो है तमिल मुद्दे पे तमिल लोगों को रिहैबिलिटेट करने का प्रयास कर रहा है, एंड प्रॉपर वे से इन्वेस्टमेंट भी श्रीलंका के अंदर कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भारत जो है एक समुद्री स्टीमर सेवा भी बेसिकली श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री स्टीमर सर्विस भी शुरू हुई है, भारत की रेल कंपनी श्रीलंका के अंदर निर्माण कार्य भी कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे 2011 में हमने देखा भी था कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं
कृष्णा वो श्रीलंका गए थे, ठीक है। 2011 के अंदर हमारे जो रिलेशंस हैं और ज्यादा बेहतर होने का प्रयास यहाँ पे किया गया था, और श्रीलंका को 1.7 बिलियन डॉलर जो है आर्थिक सहायता के रूप में भारत के द्वारा प्रदान की गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे बार 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 जो है एक उदार नीति भारत की तरफ से हमेशा श्रीलंका के प्रति देखी गई है, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेशली उत्तरी एरिया के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, आप सभी को पता है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हमने क्या कहा था, क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी, जाफना की लोकेशन आप लोगों को दिखाई थी, वहां पे साफ तरीके से कहा गया था कि भारत जो है नॉर्दर्न एरिया के, जो श्रीलंका का नॉर्दर्न एरिया है, भारत के जो तमिल हैं, भारतीय मूल के जो तमिल लोग हैं, जो अपनी मर्जी से श्रीलंका में गए थे, वो नॉर्दर्न एरिया के अंदर ही जाके बस गए थे। इस नॉर्दर्न प्रांत के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है भारत के द्वारा चलाए गए हैं, ठीक है। सो यहां पे 1.7 बिलियन डॉलर की आर्थिक सहायता जो है भारत के विदेश मंत्री को श्रीलंका के द्वारा 2011 के अंदर प्रोवाइड की गई, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने नॉर्दर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए किया, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में रेल निर्माण किया गया, ठीक है, रिहैबिलिटेशन के कार्य फिर से चलाए गए, ठीक। सो यहाँ पे प्रॉपर वे से उत्तरी और जो पूर्वी प्रांत है, ठीक है, नॉर्दर्न और जो ईस्टर्न प्रांत है जहां पे तमिल आबादी है, तमिल पॉपुलेशन है, उनके डेवलपमेंट के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो यहां पे विदेश मंत्री ने नॉर्दर्न जाफना और जो सदन में हम्बन टोटा है, ठीक है, ये लोकेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं मैप के अंदर, ठीक है। उसके अलावा मैं आज आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी भी सारे के सारे कौन कौन से पोर्ट हैं, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्दर्न जाफना और सदर्न हबन टोटा में दो नए वाणिज्यिक दूतावासों को खोलने के लिए भी एक समझौता किया गया था दोनों देशों के बीच में, ठीक है। उसके अलावा कोलंबो और तूतीकोरिन और तिल्लई मन्नार से रामेश्वरम के मध्य एक समुद्री नाव भी जो है दोनों देशों के बीच में शुरू की जाएगी, ठीक है। ऐसा जो है प्रॉपर वे से जब भारत के विदेश मंत्री वहां गए थे ये सारी की सारी बात हुई। तो मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया है कि जहां पे जब हम भारत और श्रीलंका आजाद हुए थे उसके बाद से हमारे जो रिलेशन थे वो बेहद खराब थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने अपने संबंधों को रिवाइव करना शुरू किया था, अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास यहां से किया था, ठीक है। अब जो है अगला महत्व देखते हैं, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है श्रीलंका का, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो आप लोकेशन, ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं लोकेशन की। तो यहाँ पे श्रीलंका की जो लोकेशन है भारत के बिल्कुल सदर्न टिप पे है, ठीक है। सो यहाँ पे दक्षिणी सिरे पे है भारत के श्रीलंका की लोकेशन। तो ये अगर मैं बात करूं स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए बेहद लाभकारी है श्रीलंका की ये लोकेशन। ये आज के समय से नहीं पहचानी गई है, अब के समय से इसकी पहचान नहीं हुई है कि ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यहां पे आजादी से पहले जब भारत के ऊपर भी ब्रिटेन का कब्जा था और श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटेन का कब्जा था, तो उस समय पे ब्रिटेन ने कहा था कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है और जो इंडियन ओशन है, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया है और ये जो इंडियन ओशन है, दोनों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, दोनों की सुरक्षा के लिए बेसिकली दोनों जगह पे यहां पे एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से त्रिकोणमली में यहां पे एक नेवल बेस बनाया जाना चाहिए, ठीक है, और इसे बनाया भी गया, ठीक। तो याद रखिएगा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है श्रीलंका की, जहां पे ब्रिटेन ने सबसे पहले इसको पहचाना था और कहा था कि जो ब्रिटिश इंडिया है और जो इंडियन ओशन है, यदि हमें इसको सिक्योर रखना है, इसको सिक्योरिटी प्रदान करनी है, तो हमें श्रीलंका की ये जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इसका इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। यहां पे बेसिकली ब्रिटेन के द्वारा त्रिकोणमली में एक नेवल बेस जो है स्थापित किया गया था। त्रिकोणमली याद रखिएगा, ये मैंने लोकेशन दिखा दी थी, अगर ये श्रीलंका है, ठीक है, सो यहां पे इस तरीके से लोकेशन है, यहां पे जो है त्रिकोणमली है, ठीक है, त्रिकोणमली में एक मेजर नेवल बेस जो है ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया। तो मतलब यह है कि आजादी से पहले ब्रिटेन के कब्जे में जब भारत था तो तब भी श्रीलंका को बहुत जो है स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कहा गया था। दोनों देश इंडियन ओशन और भारत की सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक मेजर नेवल बेस जो है बनाया गया था। उसके अलावा इसकी जो लोकेशन है वे बेहद इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यहाँ पे कहा गया है कि ये जो सी लेन है बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे
संचार के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी श्रीलंका की लोकेशन बेहद आवश्यक है। यूरोप से लेके ईस्ट एशिया तक कनेक्टिविटी यदि हमें चाहिए, यहाँ पे संचार को बेहतर करना है यूरोप से लेके ईस्ट एशिया तक, और यहाँ पे स्पेशली जितने भी ऑयल टैंकर्स जाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे जितने भी ऑयल टैंकर्स जाते हैं गल्फ से, हमें जब ऑयल बेसिकली आयात किया जाता है ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के द्वारा, वो सारे के सारे, उन सभी के लिए श्रीलंका की लोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे बात की जाए चाइना के लिए, जापान के लिए, पैसिफिक कंट्रीज के लिए श्रीलंका की लोकेशन बेहद आवश्यक है। यहाँ पे संचार के माध्यम से सी लेन जो है इधर इसी रूट से जाती है, ऑयल टैंकर इसी रूट से जाते हैं गल्फ कंट्रीज से। सो इसीलिए यहाँ पे जो लोकेशन है श्रीलंका की, जिस तरीके से इसके ये बेसिकली स्थित है इंडियन ओशन में, इसकी स्थिति, इसकी जो लोकेशन है वे बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कई सारे देशों के लिए इसकी जो लोकेशन है वो महत्वपूर्ण है। जैसे अमेरिका ने यहाँ पे कहा था कि बेसिकली अमेरिका के द्वारा कहा गया था कि इस देश की जो लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे कई सारे सी रूट्स है, यहाँ पे प्रॉपर वे से नेवल पावर, ठीक है। सो बेसिकली यदि नेवल पावर को पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन और गल्फ तक पहुंचाना है, ठीक है, अमेरिका के द्वारा कहा गया था कि ये जो है नेवी की पावर को यदि अमेरिका को पैसिफिक ओशन से इंडियन ओशन और गल्फ तक पहुंचाना है, गल्फ कंट्रीज तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करनी है, तो यहां पे जो स्ट्रेटजिक टाइज है अमेरिका के श्रीलंका के साथ ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सो यहां पे कुछ और एग्जांपल है कि यहां पे ब्रिटिश वर्ल्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भी अपने हितों को साधने के लिए श्रीलंका का ये जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है इसका लाभ उठाना चाहते हैं। हमने अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, दूसरा यहां पे कई सारे बड़े एग्रीमेंट जो है यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा श्रीलंका के साथ किए गए हैं, जैसे ब्रिटिश डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर एग्रीमेंट जो 1948 के अंदर ही श्रीलंका के द्वारा ब्रिटेन के साथ किया गया था। उसके अलावा यूएसएसआर के साथ भी एक एग्रीमेंट जो है श्रीलंका के द्वारा किया गया था, मैरीटाइम एग्रीमेंट विद यूएसएसआर जो कि 1962 के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार के कई सारे एग्रीमेंट जो है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा श्रीलंका के साथ किए गए हैं। क्यों किए गए हैं, क्या उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्पेशली इसकी लोकेशन के चलते यहाँ पे यदि पैसिफिक ओशन से कनेक्टिविटी यदि करनी है इंडियन ओशन के साथ, तो नेवल सर्विसेज को ट्रांसफर करना है, तो श्रीलंका की लोकेशन का फायदा उठाना चाहता है वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। एंड उसके अलावा हमने देखा था कि स्पेशली जो अमेरिका है, अमेरिका के द्वारा एक रेडियो चैनल भी बनाया गया था, ठीक है, ईस्टर्न यहाँ पे त्रिनकोणमली के अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका यहाँ पे के नाम से बेसिकली एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन भी निर्माण किया गया, एक रेडियो स्टेशन भी बनाया गया था यहाँ पे इसी एरिया के अंदर अमेरिका के द्वारा। तो वो बेसिकली क्या था, वो जो ये जो रेडियो स्टेशन था जो अमेरिका के द्वारा श्रीलंका में बनाया गया, तो ये किस लिए था, ये स्ट्रेटजिक लोकेशन को ध्यान में रखते हुए इंडियन ओशन की यहाँ पे निगरानी के लिए, सर्वेलेंस के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए श्रीलंका की लोकेशन का फायदा उठाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। इसीलिए ये रेडियो स्टेशन कुछ नहीं था, ये इंटेलिजेंस इकट्ठा करने वाला एक देश था, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेशली जयवर्धने और राणा सिंह के टाइम पे, ठीक है, सो यहाँ पे राणा सिंह प्रेमदासा के समय पे श्रीलंका के साथ कई सारे देशों के जो संबंध है वो बेहतर हुए। यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड जितनी भी महाशक्तियां हैं उन्होंने इंडियन ओशन में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए श्रीलंका के साथ अपने संबंध बेहतर करने का प्रयास किया, और लगातार यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, चाइना के द्वारा संबंध जो है श्रीलंका के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे चाइना जो है एक मैसिव इन्वॉल्वमेंट जो है चाइना की श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेशली राजपक्षे साहब के टेन्योर के टाइम पे, इनके कार्यकाल के टाइम पे जो चाइना का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे चाइना के द्वारा कई सारे पोर्ट्स का निर्माण किया गया इस टाइम पे, यहाँ पे भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, इंडियन ओशन के अंदर भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा था चाइना के द्वारा। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान में इन्होंने ग्वादर पोर्ट का निर्माण किया,
बांग्लादेश में चिटगांग पोर्ट के ऊपर इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया और भारत को घेरने का यहाँ पे बेसिकली एफर्ट किया जा रहा है। म्यांमार का एक पोर्ट है क्योंक फुरू, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंक फुरू जो पोर्ट है म्यांमार का, उस पे चाइना अपना दबदबा चाहता है। श्रीलंका का जो सदर्न पोर्ट है हम्बन टोटा, ठीक है, ये कई सारे विवाद में भी रहा है हम्बन टोटा, ठीक है। सो हम्बन टोटा के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास किया। तो आप देखेंगे कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना बांग्लादेश के माध्यम से, म्यांमार के माध्यम से, श्रीलंका के माध्यम से और फिर पाकिस्तान के माध्यम से। हम एक बार मैप देख लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, बांग्लादेश के माध्यम से, ठीक है, ये बांग्लादेश की लोकेशन है, ठीक है, ये इधर आता है यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार की लोकेशन है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका के माध्यम से एंड देन यहाँ पे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के माध्यम से भारत के ऊपर ये जो है क्या कर रहा है, भारत को जो है घेरने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे जो पोर्ट है इनके ऊपर कब्जा करने का, यहाँ पे ये जो है चिटगोंग पोर्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे म्यांमार के अंदर म्यांमार पोर्ट है, श्रीलंका के अंदर यहाँ पे हम्बन टोटा पोर्ट है, ठीक है, देन यहाँ पे ग्वादर पोर्ट इधर हो जाता है। तो इन पोर्ट के माध्यम से यहाँ पे अपनी नेवी को स्थापित करके यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है भारत को कंट्रोल करना चाहता है, और इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति भी कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाइना जो है, चाइना की जो बढ़ती इन्वॉल्वमेंट है श्रीलंका के अंदर, ये भारत के लिए हितकारी नहीं है, ठीक है, भारत के लिए हितकारी नहीं है, भारत के लिए ये बेसिकली खतरे का निशान है। इसीलिए भारत अपने जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ जो संबंध है वो बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। जैसे अभी जो है हमने बेसिकली एक रोड का निर्माण किया है, ठीक है। सो यहाँ पे भारत म्यांमार और थाईलैंड से होते हुए एक ट्राइलेटरल सड़क है, उसका निर्माण किया गया है भारत और कई सारे देशों के बीच में। उसके बाद हम ईस्टर्न जितने कंट्रीज हैं यहाँ पे, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया तक इस सड़क के से अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं। ये क्या है, ये हम चाइना को इनडायरेक्टली बेसिकली घेरना चाह रहे हैं अपने लुकीस्ट पॉलिसी के माध्यम से। क्यों? क्योंकि चाइना भारत को बेसिकली इसी के रूट से, इसके सी रूट से घेरने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए चाइना जो है वो श्रीलंका के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमेशा से इंडियन ओशन के अंदर ये जो बढ़ती इन्वॉल्वमेंट है इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। एवरी टाइम आप देखेंगे भारत जो है इसको काउंटर करने के लिए एफर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव जो चाइना का है, उसके काउंटर में भी भारत अपनी सारी की सारी जो कनेक्टिविटी है स्पेशली ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी हमने अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई है। ग्वादर को कंट्रोल करने के लिए हमने चाबार पोर्ट का निर्माण कर लिया ईरान के अंदर, ठीक है। सो भारत भी एक्टिवली काम कर रहा है, बट श्रीलंका की जो लोकेशन है उस लोकेशन को ध्यान में रखते हुए भारत को श्रीलंका के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ानी होगी। क्योंकि कई सारी जगह पे हमने देखा है कि चाइना अपना दबदबा जो है श्रीलंका के अंदर वो बरकरार कर रहा है, ठीक है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे उधार लोन देने की बात कर रहा हो चाइना, ठीक है। इन सभी माध्यमों से हमें पता चलता है कि चाइना श्रीलंका को बेसिकली ये जो उधार देने का है, डेट देने के बाद यहाँ पे अब क्या कर रहा है, डेट दे रहा है, उधार दे रहा है, और उसके बाद चाइना श्रीलंका की सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, उधार वापस कर नहीं पाता है, इसके चलते क्या करेगा, अदर जो एग्रीमेंट्स है वो थोपेगा श्रीलंका के ऊपर, और बेसिकली वहां पे श्रीलंका दबता है, और इसीलिए भारत के लिए खतरे की बात भी है, ठीक है। सो भारत को यहाँ पे चाइना को काउंटर अगर करना है, चाइना के इस हैवी इन्वेस्टमेंट को काउंटर अगर करना है, तो भारत को भी उसी बेसिकली जील के साथ यहाँ पे श्रीलंका के साथ अपने संबंध बेहतर करने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भारत के पास जितने भी श्रीलंका के प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे भारत को टाइम से पूरे करने होंगे, प्रॉपर वे से पूरे करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2015 से पहले प्रॉपर वे से आप देख रहे हैं कि चाइना के अंदर जो पोर्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो चाइना के पास है,
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है श्रीलंका के, वो चाइना के पास है। तो यहाँ पे प्रॉपर वे से चाइना अपना इन्वेस्टमेंट के माध्यम से श्रीलंका के अंदर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। हम्बनटोटा यहाँ पे इनिशियल लेवल पे भारत इसका डेवलपमेंट कर रहा था, बट बाद में ये चाइना के द्वारा डेवलप किया गया। ये जो है अभी लीज पे चाइना को दिया हुआ है, बट अभी कहा जा रहा है कि हम्बनटोटा जो है वो उससे ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कथित तौर पे ये घाटे में चल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है, ठीक है। सो इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण यहाँ पे हम इसका डेवलपमेंट तो किया जाना बहुत आवश्यक है, स्पेशली हम्बनटोटा सदन में है, सदन टिप के ऊपर है श्रीलंका के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी लोकेशन की वजह से इसको डेवलप तो किया गया है, बट ये प्रॉपर वे से उतना फायदा नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे श्रीलंका की लोकेशन बेहद आवश्यक है, स्पेशली इसके जो पोर्ट है, जो लोकेशन है उनकी अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर कई सारे स्ट्रेटजिक पोर्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली कहा गया कि कोलंबो का जो पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट जो है 25th बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है दुनिया का, ठीक है। सो 25th बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है दुनिया का। और उसके अलावा जो त्रिकोणमली है, ठीक है, त्रिकोणमली पोर्ट जो है वो नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है ये, ठीक है, प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है और दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है त्रिकोणमली, ठीक है। सो यहाँ पे कोलंबो पोर्ट और त्रिकोणमली पोर्ट जो है वे बेहद आवश्यक है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे पोर्ट सिटी जो है त्रिकोणमली, ये ब्रिटिश काल से ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे ब्रिटिशर्स ने इसको अपना पोर्ट किया, यहाँ पे अपना नेवल बेस बनाया गया था त्रिकोणमली के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ब्रिटिश रॉयल नेवी के द्वारा त्रिकोणमली के अंदर अपना एक नेवल बेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्यों की गई थी? क्योंकि इसकी लोकेशन बेहद आवश्यक है इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी श्रीलंका की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वे बेहद आवश्यक है, ठीक है। सो यहाँ पे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो भारत की अगर हम दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये जो अनफ्रेंडली श्रीलंका कहा गया है, भारत के साथ हमारे आजादी के बाद से 1947 के बाद से 1948 में श्रीलंका आजाद जब से हुआ, तो ये भारत को क्या है, भारत को बेसिकली बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता है, यहाँ पे हमेशा से भारत को खतरा समझता है। क्यों? कई बार यहाँ पे कहा गया है कि जो श्रीलंका है, भारतीय मूल के जो तमिल है, ठीक है, भारतीय मूल के जो तमिल है वहां पे जो सिन्हली लोग रह रहे हैं उनको हराया गया था तमिल लोगों के द्वारा, इसीलिए हमेशा से ही उनके दिमाग में रहा है कि भारत श्रीलंका के लिए खतरा है। और ये साफ तौर पे श्रीलंका की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसमें देखने को मिलता है। विदेश नीति में साफ तरीके से भारत के विरुद्ध जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखने को मिलती है श्रीलंका की। तो ये जो अनफ्रेंडली श्रीलंका है ये भारत के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। भारत श्रीलंका चाहे ना चाहे, इसके बावजूद भी भारत को श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है रणनीतिक भागीदारी दोनों देशों की, स्पेशली भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडियन ओशन के अंदर देखते हैं तो इंडियन ओशन में जो इंडियन ओशन रिम है, ठीक है, सो यहाँ पे इंडियन ओशन रिम फॉर द कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बेसिकली इस ग्रुप का निर्माण किया गया था 1997 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर मॉरिशियस में है। यहाँ पे 23 जो देश हैं वो इसके भागीदार हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, इंडियन ओशन रिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, बेहतर नेटवर्किंग के लिए, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए हमें, हमारे लिए इंडियन ओशन में श्रीलंका की लोकेशन बहुत आवश्यक है, ठीक है। सो श्रीलंका के जो बेसिकली लोकेशन है वो उसको कंट्रोल करना, चाहे श्रीलंका चाहे चाहे ना चाहे, फिर भी हमें क्या करना है, हमें अपने जो रणनीतिक हिस्सेदारी है वो श्रीलंका के साथ बढ़ानी होगी, ठीक है। यहाँ पे इंडियन ओशन रिम को अगर सक्सेसफुल करना है, इन कम्युनिटीज के साथ यहाँ पे मैक्सिमम हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, कनेक्टिविटी करनी है, नेटवर्किंग दो देशों के साथ में बढ़ानी है, तो इंडियन ओशन के अंदर हमारी श्रीलंका के साथ एक बेहतर साझेदारी होना बेहद आवश्यक है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, तो यहाँ पे
भारत के लिए, भारतीय नेवी के लिए भी आवश्यक है, जैसे कई सारे जो नेवल फ्लीट हैं जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है और इनको स्विच करना है अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी के अंदर जब स्विच करना होगा तो भी तो यहाँ पे श्रीलंका की लोकेशन आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए भी ये श्रीलंका से होके ही गुजरता है, श्रीलंका की लोकेशन बेहद आवश्यक है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमें अपने नेवल फ्लीट्स को भी स्विच करना है बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी के बीच में, तो वहां पे भी हम देखेंगे कि इस श्रीलंका की लोकेशन हमारे लिए बेहद आवश्यक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका के साथ जो संबंध है वो बेहतर होने आवश्यक है, ठीक है। कमर्शियल हमने बात कर ली, यहाँ पे आर्थिक संबंधों की हम बात कर भी चुके हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पे श्रीलंका को अगर हम देखते हैं तो सार्क कंट्रीज में इंडिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है श्रीलंका का, ठीक है। सो यहाँ पे सार्क कंट्रीज के अंदर श्रीलंका जो है, श्रीलंका का भारत जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और उसके अलावा भारत जो है पूरे यहाँ पे ग्लोबल सर्वे भी देखें तो भी सबसे बड़ा पार्टनर यहाँ पे है। हालांकि अभी जो है चाइना क्या दबदबा बेसिकली श्रीलंका के अंदर बढ़ रहा है। हमने देखा था कि चाइना 19.5% इंपोर्ट जो है श्रीलंका चाइना से करता है और 19% जो है वो भारत से करता है। ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आज के समय पे। उसके अलावा भारत जो है श्रीलंका के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मैक्सिमम जो है एफडीआई भारत की तरफ से श्रीलंका के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत ने जो है 1.7 बिलियन, 2005 से लेके 2019 तक भारत ने जो है श्रीलंका के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है की गई है भारत के द्वारा, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, भारत की जो लीडिंग कंपनीज है वो भी श्रीलंका के अंदर अपने बेस बना रही है, वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, बढ़ा रही है। तो 1.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है 2005 से लेके 2019 के बीच में भारत के द्वारा श्रीलंका के अंदर किया गया, ठीक है। बायलेटरल व्यापार की बात करूं, बायलेटरल ट्रेड की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पे 4.8 बिलियन, ठीक है। सो US डॉलर 4.8 बिलियन जो है बेसिकली भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार होता है। एंड एक्सपोर्ट की बात करूं, यहाँ पे भारत की तरफ से जो है 3.8 बिलियन डॉलर की जो चीजें हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट की जाती है श्रीलंका के अंदर, ठीक है, निर्यात की जाती है श्रीलंका के अंदर। उसके अलावा श्रीलंका भी भारत के अंदर अपनी चीजों को भेजता है, निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। 551 मिलियन जो US डॉलर है उसकी लागत की श्रीलंका जो है भारत के अंदर चीजों का निर्यात कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे भारत के अंदर आप देखेंगे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा कई सारे ग्रुप्स का हिस्सा भी है भारत और श्रीलंका। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों देश जो है बिम्सटेक के पार्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भारत बिम्सटेक का पार्ट है दोनों यहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे कि भारत ने यहाँ पे सारे के सारे बिम्सटेक मेंबर्स को, जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है यहाँ पे बेसिकली भारत के अंदर चुनाव हुआ, मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने, तो उनकी स्वीयरिंग सेरेमनी के अंदर, ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी बिम्सटेक मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, ठीक है। वहां पे भी श्रीलंका को जो है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे निमंत्रण भेजा गया था, यहाँ पे भागीदार रहा था, ठीक है जी। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की लाइन पे भी श्रीलंका जो है बेहद आवश्यक है, ठीक है। सो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से भी, पड़ोसी प्रथम की नीति के माध्यम से भी भारत को अपने संबंध जो है श्रीलंका के साथ बेहतर करने की आवश्यकता है। जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका की लोकेशन बेहद आवश्यक है, स्पेशली चाइना को काउंटर अगर हमें करना है तो हमें अपने संबंध श्रीलंका के साथ बढ़िया करने ही होंगे, ठीक है। एंड देन उसके अलावा बेसिकली जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है राजपक्षे, ठीक है, उनके समय पे श्रीलंका और चाइना की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे श्रीलंका और चाइना की जो नजदीकियां हैं, लंबे टाइम से गृह युद्ध चाइना के अंदर, श्रीलंका के अंदर चल रहा था, वहां पे स्पेशली चाइना का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा उसके बाद श्रीलंका के अंदर। और ये जो तमिल लोग हैं इनको डिस्प्लेस करने में भी चाइना के द्वारा सपोर्ट किया गया श्रीलंका को, ठीक है। सो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है जी। उसके अलावा कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये हमने बात कर ली है।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भारत जो है फोर टॉप बेसिकली यहाँ पे भारत जो है 2003 से, यहाँ पे अगर मैं देख रही हूँ तो 2003 से यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है, 2003 से $1 बिलियन, ठीक है। सो यहाँ पे 2003 में $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली भारत जो है टॉप फोर इन्वेस्टर्स में, जो टॉप फोर इन्वेस्टर्स हैं श्रीलंका के अंदर, उनमें से एक है। भारत जो है यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा रहा है, कई सारी साझेदारी, कई सारे एग्रीमेंट्स जो है श्रीलंका के साथ कर रहा है। किन किन क्षेत्र के अंदर भारत भारत जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, ये चीज हम देख लेते हैं। पेट्रोलियम के क्षेत्र में भारत इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, आईटी सेक्टर की हमने बात की है, आईटी सेक्टर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, रियल एस्टेट में, टेली कम्युनिकेशन में, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग, मेटल इंडस्ट्री, सीमेंट, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेल निर्माण, पावर जनरेशन, वाटर सप्लाई, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर में भारत जो है श्रीलंका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमने जब उदाहरण के स्वरूप यहाँ पे देखा कि किन किन क्षेत्र के अंदर भारत जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है श्रीलंका के अंदर, तो हमने पाया कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्षेत्र के अंदर, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे आईटी हो, चाहे रियल स्टेट हो, चाहे यहाँ पे टूरिज्म हो, बैंकिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी प्रकार की सुविधाएं अगर है, तो हर क्षेत्र के अंदर भारत जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है श्रीलंका के अंदर, एफडीआई इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है श्रीलंका के अंदर भारत की तरफ से। उसके अलावा याद रखिएगा कि भारत जो है यहाँ पे 2005 से लेके 2019 तक $1.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे 2020 के आंकड़े के अनुसार सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था, ठीक है, जहाँ पे $3.6 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में हुआ। उसके अलावा इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब 2002 के अंदर हुआ, तो वहां पे मोर देन 60% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है श्रीलंका भारत को करता है। भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद से 60% से ज्यादा निर्यात चीजों का श्रीलंका भारत को करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। सो यहां पे आप देखेंगे भारत के भी टोटल एक्सपोर्ट का 5%, ठीक है, टोटल एक्सपोर्ट का 5% जो है श्रीलंका के अंदर बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। सो दोनों देश जो है यहाँ पे व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद यहाँ पे महत्वपूर्ण जो संबंध है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट सहयोग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी भारत का एक मेजर डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में उभरना भी दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत हितकारी है, ठीक है। सो यहाँ पे श्रीलंका जो है इज वन ऑफ द इंडियाज मेजर डेवलपमेंट पार्टनर, ठीक है। सो यहाँ पे और इनफैक्ट दोनों ही देश, ठीक, तो भारत के द्वारा भी कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है श्रीलंका के अंदर चल रहे हैं, और श्रीलंका के भी कई सारे प्रोजेक्ट भारत के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। सो दोनों देश जो है बायलेटरल टाइज दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पार्टनरशिप साझेदारी जो है दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ग्रांट यहाँ पे एक लोन बेसिकली दिया गया है डेवलपमेंट के लिए, 570 मिलियन का डेवलपमेंट जो है बेसिकली दिया गया। उसके अलावा यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए $570 मिलियन US का अनुदान जो है श्रीलंका को दिया जाएगा। एंड सेम वे से सिर्फ इतना नहीं, भारत सरकार ने कहा कि आने वाले समय में $3.5 बिलियन US भी श्रीलंका की इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली लिट्टे के बाद से जो तमिल लोग डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है, सो यहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन है, जो लिट्टे के वॉर के बाद, सिविल वॉर जब श्रीलंका के अंदर चल रही थी, उसके बाद जो है भारतीय मूल के तमिल जो है डिस्प्लेस हुए थे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है श्रीलंका के अंदर देखने को मिला था, उनकी नॉर्मल लाइफ अगर शुरू करनी है, उनको रिहैबिलिटेट अगर करना है, तो रिहैबिलिटेट के लिए कई सारे प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के अंदर चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी स्पेशली प्रोग्राम यहाँ पे ट्रेनिंग्स और अदर प्रोग्राम जो है भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका के अंदर चलाए गए। तो यहाँ पे भारत जो है एक प्रॉपर वे से कहा गया है भारत के द्वारा कि यहाँ पे विकास सहायता बढ़ाई जाएगी
श्रीलंका के अंदर, स्पेशली 2010 के अंदर श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान ऐसी यहाँ पे बेसिकली प्रतिबद्ध भारत जो है प्रतिबद्ध हुआ, जहाँ पे कहा गया कि भारत जो है प्रॉपर वे से डेवलपमेंट सहायता, विकास सहायता जो है यहाँ पे प्रदान करने वाला है श्रीलंका को, ठीक है। जब 2010 के अंदर बेसिकली राष्ट्रपति भारत की यात्रा पे आए थे तो कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है दोनों देशों के बीच में साइन हुए थे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया था कि 50,000 हाउसेस का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे भारत के द्वारा 50,000 घरों का निर्माण किया जाएगा श्रीलंका के अंदर। उसके अलावा जो नॉर्दर्न रेलवे लाइन्स है, ठीक है, ये नॉर्दर्न रेलवे का एरिया कौन सा है, जाफना का एरिया, नॉर्दर्न प्रोविंस और ईस्टर्न प्रोविंस की हम बात कर रहे थे, तो नॉर्दर्न रेलवे लाइन्स जो है यहाँ पे प्रॉपर वे से इनका इनको बनाया जाएगा, इनको फिर से बेसिकली इनके प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। जितना मलबा है उसको हटाया जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे श्रीलंका के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कल्चरल सेंटर की स्थापना की जाएगी जाफना के अंदर, ठीक है। और जो मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है थिरुकेथेश्वरम मंदिर, ठीक है, इसको दोबारा से रीस्टोर किया जाएगा, ठीक। यहाँ पे ये बात की गई एग्रीमेंट के माध्यम से। देन और क्या कहा गया, कहा गया कि नॉर्दर्न प्रोविंस के अंदर, देखो हर चीज ना नॉर्दर्न एरियाज के अंदर घूम फिर के आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया जाएगा श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है, जाफना है। ईस्टर्न, यहाँ पे ऑलमोस्ट श्रीलंका के उत्तर भाग में वो सारे भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं जो हमेशा से डेवलपमेंट के लिए तरसते नजर आए हैं, ठीक है। उसके अलावा भारत डेवलपमेंट के क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाएगी श्रीलंकन गवर्नमेंट्स को के श्रीलंकन स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपनी हायर स्टडी प्राप्त कर सके यहाँ पे भारत में आके। अगर वो हायर स्टडी प्राप्त करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस केस में श्रीलंकन स्टूडेंट्स को भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। कई सारे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग और यहाँ पे सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। टेक्निकल असिस्टेंस जो है यहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ट्राइलिंगुअल श्रीलंकन के लिए, ठीक है। सो इन शॉर्ट जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, यहाँ पे स्पेशली भारत सरकार जो है कई सारे एग्रीमेंट कर चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे 50,000 घरों का निर्माण करने की बात कही गई थी दोनों देशों के साझेदारी के बीच में। उसके अलावा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसके लिए भारत ने कहा कि भारत जो है 1,372 करोड़ रुपए का अनुदान जो है श्रीलंका को प्रदान करेगा, ठीक है। 1,372 करोड़ रुपए का अनुदान जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत भारत जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट को प्रदान करने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे स्पेशली कहा गया कि बेसिकली डेवलपमेंट क्रेडिट भी श्रीलंका को दिया जाएगा भारत के द्वारा, और यहाँ पे 2.63 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली की जाएगी, क्रेडिट के रूप में भी दी जाएगी यहाँ पे इन शॉर्ट, और ओवरऑल सहायता जो है श्रीलंका को भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे जिसमें 458 मिलियन की एक ग्रांट भी शामिल है, टोटल इन्वेस्टमेंट 2.63 बिलियन की, जिसमें से 458 मिलियन की ग्रांट जो है वो श्रीलंका को प्रदान की जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे भारत बेसिकली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि स्मॉलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी भारत के द्वारा श्रीलंका के अंदर चलाए जा रहे हैं, ठीक है। सो देखो ये गिव एंड टेक वाली बात है, भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत यहाँ पे हर संभव सहायता जो है श्रीलंका को दे रहा है। क्यों दे रहा है आप सोच के देखिए, क्योंकि भारत के लिए श्रीलंका की लोकेशन बेहद आवश्यक है। अब तक मैंने आपको सारी की सारी बातें जो बताई, जियो पॉलिटिकल व्यू से स्ट्रेटेजिक लोकेशन की हमने जितनी बातें की, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे बेसिकली सिद्ध होती हैं कि भारत जो है यहाँ पे हर संभव प्रयास कर रहा है श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए। तो बड़े ही नहीं, छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी भारत के द्वारा श्रीलंका के अंदर चलाए जा रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट के यहाँ पे कई सारे फंडिंग जो ग्रांट्स है वो भारत सरकार के द्वारा श्रीलंका को प्रदान की जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिकली
कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हमारे लिए त्रिकोणमितीय पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्बन टोटा की हम बात कर रहे थे, ठीक है जी, हम्बन टोटा है यहाँ पे, गाले पोर्ट है, कोलंबो पोर्ट की हमने बात कर ली थी, ठीक है। सो ये सारे के सारे पोर्ट्स जो है आप देखेंगे इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने त्रिकोणमितीय का भी देख लिया, हम्बन टोटा का भी देख लिया, गाले पोर्ट भी देख लिया, कोलंबो पोर्ट भी देख लिया, और ऊपर के एरिया में यहाँ पे है जाफना, ठीक है। ऊपर क्या है, जाफना, यहाँ पे है जाफना है इधर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ ये जो लोकेशन है श्रीलंका की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस और सिक्योरिटी के कोऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, दोनों देश कैसे अपनी साझेदारी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो हम बात करें यहाँ पे दोनों देशों के बीच में कहाँ कहाँ पे साझेदारी और कैसे दोनों देश अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका जो है दोनों सिक्योरिटी कोऑपरेशन में भी, सुरक्षा सहयोग में भी एक दूसरे को यहाँ पे एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए हैं, ठीक है। सो दोनों देश यहाँ पे स्पेशली देखेंगे कई सारी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे दोनों देशों के बीच में देखने को मिलती है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति बेसिकली दोनों देशों की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है स्लीनेक्स, भारत और श्रीलंकन नेवी के बीच में होती है, ठीक है। सो यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी के सहयोग की अगर बात करें तो दोनों देश जो हैं यहाँ पे एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए सहयोग कर रहे हैं, जिसके चलते कई सारे यहाँ पे जॉइंट एक्सरसाइज देखने को मिलती है। मिलिट्री एक्सरसाइज हमने मित्र शक्ति की बात की, नेवल एक्सरसाइज यहाँ पे स्लीनेक्स की हमने बात की है, उसके अलावा यहाँ पे ट्राई लेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, ठीक है। सो ट्राई लेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, जिसके भारत श्रीलंका ट्राइलेटरल मतलब तीन देशों के बीच में, भारत श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है, भारत श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में यहां पे ये जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, जिसका उद्देश्य है कि इस रीजन के अंदर, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर प्रॉपर वे से सर्वेलेंस करना, जितने भी पायरेसी के ऑपरेशन है उनको रोकना, ठीक है। सो यहां पे स्पेशली मानव तस्करी, ठीक है, नशीली दवाओं का यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आदान प्रदान यहाँ पे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, यहाँ पे इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, तो जितने भी इलीगल एक्टिविटीज इस रीजन के अंदर होती है, इन सभी से निपटने के लिए भारत, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे ना केवल इलीगल एक्टिविटी को रोकने के लिए, बल्कि यहाँ पे जो मैरीटाइम पोल्यूशन है, ठीक है, मैरीटाइम पोल्यूशन है यहाँ पे जो बेसिकली प्रदूषण बढ़ रहा है, समुद्री प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए भी ये जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट तीनों देशों के बीच में हुआ है, ये बेसिकली काम करने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज हमने देखी, उसके अलावा हमने देखा था कि श्रीलंका के अंदर ईस्टर के समय पे बेसिकली एक हमला हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पे ईस्टर बम धमाकों की अगर मैं बात कर लूं, तो यहाँ पे उस समय पे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार की के द्वारा जितनी भी मदद प्रदान की गई थी उसके लिए धन्यवाद दिया गया था। यहां पे भारत ने पहले ही श्रीलंकन गवर्नमेंट को चेतावनी दे दी थी कि भारत की एजेंसियों को यहां पे खुफिया जानकारी मिली है कि श्रीलंका के अंदर हमले होने वाले हैं, स्पेशली यहां पे सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा अटैक किया जाएगा, चर्चों के ऊपर किया जाएगा, इंडियन हाई कमीशन जो कोलंबो के अंदर है उसके ऊपर अटैक किए जाने की संभावना है, इसके लिए हाई अलर्ट जो है भारत सरकार को हमले से पहले ही श्रीलंका को दिया गया था, जिसके चलते यहाँ पे जो श्रीलंका की के गवर्नमेंट है उसने भारत का धन्यवाद दिया। उसके अलावा एक कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन भी हुआ है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भी आयोजन हुआ है 2011 के अंदर, जहां पे बेसिकली इंडियन ओशन के अंदर जो सिक्योरिटी है, ठीक है, यहाँ पे तीनों देशों के बीच में ही ये समझौता हुआ है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का गठन जो है 2011 में हुआ था, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जो है समुद्री सुरक्षा को लेके है, ठीक है। सो यहाँ पे इंडियन ओशन में कैसे सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, यहाँ पे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में इस पे चर्चा की गई और एक यहाँ पे एग्रीमेंट जो है तीनों देशों के मध्य यहाँ पे होता है, जिससे कहा गया कि यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल्चरल टाइज की, कल्चरल
कोऑपरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक सहयोग समझौता भी हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच में कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है भारत और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में भी हुआ है, ठीक है। 1977 के अंदर नई दिल्ली के अंदर जो है यहाँ पे कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है भारत श्रीलंका के बीच में हुआ है, ठीक है, जिसमें तय किया गया कि पीरियोडिकल, ठीक है, यानी कि समय समय पे दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो कल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ, इसमें कहा गया कि दोनों देश जो हैं एक दूसरे के अंदर सांस्कृतिक समझौतों को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे दोनों देशों के बीच में, ठीक है। उसके अलावा इंडियन कल्चरल सेंटर जो है वो कोलंबो के अंदर स्थापित किया गया, इंडियन कल्चरल सेंटर कोलंबो के अंदर स्थापित किया गया, जो एक्टिवली यहाँ पे भारत के कल्चर को प्रमोट कर रहा है, भारत के डांस को, भारत के संगीत को, भारत के हिंदी को, भारत की योगा को, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है कोलंबो के अंदर इंडियन कल्चर सेंटर के द्वारा प्रमोट की जा रही है, लोगों को इसके प्रति जागरूक जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हर साल जो है बेसिकली कई सारे जो सांस्कृतिक दल है वो दोनों देशों की यात्राएं करते हैं, भारत की और श्रीलंका की जो है दोनों देश यात्राएं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं, दल बनाए गए, कल्चरल ग्रुप्स बनाए गए हैं जो भारत और श्रीलंका दोनों की यात्रा करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे श्रीलंका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में 2015 के अंदर श्रीलंका में भारत महोत्सव, ठीक है, सो श्रीलंका के अंदर एक भारत महोत्सव भी हुआ था 2015 में, जिसका नाम था नृत्य रूपा, ठीक है। सो यहाँ पे 2015 में स्पेशली ये जो कार्यक्रम था भारत महोत्सव, जिसका नाम दिया गया, जिसको नृत्य रूपा नाम से भी जाना गया है, तो इसके द्वारा भी भारत के कल्चर, भारत के ट्रेडिशन को बेसिकली प्रमोट किया गया श्रीलंका के अंदर, कोलंबो में, कैंडी में, गॉल में जो है भारत के विभिन्न हिस्सों से एक प्रॉपर वे से जो डांस ग्रुप है, ठीक है, बेसिकली डांस ग्रुप जो है इन एरियाज के अंदर जाके परफॉर्म कर रहे थे, ताकि लोगों को जानकारी मिली भारत के जो कल्चर है उसकी जानकारी मिले श्रीलंका के लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे महोत्सव का जो विषय था, जो थीम था, वो बेसिकली था संगम, ठीक है, संगम जो है थीम रहा, जिसका उद्देश्य था भारत और श्रीलंका की संस्कृतियों का संगम, ठीक है, भारत और श्रीलंका की संस्कृतियों का संगम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन, ठीक है, सो यहाँ पे इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन की भी स्थापना हुई है 1998 के अंदर, ये इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव था, ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना हुई है 1998 के अंदर, ठीक है। ये क्या था, इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव था, उद्देश्य क्या था इस इनिशिएटिव का, ये जो इंडिया श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 98 में, इसका उद्देश्य था यहां पे साइंटिफिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना दोनों देशों के बीच में, टेक्निकल सहयोग को बढ़ाना, एजुकेशनल सहयोग को बढ़ाना, कल्चरल सहयोग को दोनों देशों के बीच में बढ़ाना, किसके माध्यम से, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के जो आइडियाज हैं उनके एक्सचेंज के माध्यम से, हमारी जो यंगर जनरेशन है उनके बीच में हम एक कनेक्टिविटी जो है दोनों देशों के बीच में स्थापित करें, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे याद रखनी है। भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है, भारत जो है 290 श्रीलंकन स्टूडेंट को हर साल स्कॉलरशिप प्रदान करता है, ठीक है। सो यहाँ पे 290 स्कॉलरशिप जो है श्रीलंकन स्टूडेंट्स को इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो है इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम जो है चलाई गई है, जहाँ पे बेसिकली 370 स्टूडेंट 370 स्लॉट जो है हर साल, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे ना 370 स्लॉट जो है प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, हर साल जो है श्रीलंकाई नागरिकों को 370 स्लॉट्स जो है हर साल प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई है। क्या है, इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कीम के तहत यहाँ पे कहा गया है कि 370 स्लॉट जो है हर साल श्रीलंकन नेशनल्स को, श्रीलंकन जो सिविल नागरिक हैं उनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। हमने कल्चरल सहयोग की बात कर ली, हमने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन क्या महत्व रखती है उस पर हम बात कर चुके हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में हमने बात कर ली है, आर्थिक सहयोग की
हमने बात कर ली, उसके अलावा हमने सेपा की बात कर ली, हमने कई एफटीए की बात कर ली, अब हम बात करते हैं पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ठीक है। सो भारत और श्रीलंका के बीच में एक और सहयोग का क्षेत्र है, वो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के माध्यम से। भारतीय मूल के बहुत सारे लोग जो हैं श्रीलंका के अंदर निवास करते हैं, भारतीय मूल के सिंधी, बोरा, गुजराती, मैमन्स, पारसी, मलयालीस, तेलुगु, तो ये सारे जो लोग हैं ये बेसिकली तेलुगु भाषी लोग, मलयालीज, ये सारे के सारे कहाँ पे हैं, श्रीलंका के अंदर जाके बस गए हैं। ये भारतीय लोग हैं, भारतीय भाषी लोग हैं, ये सारे के सारे श्रीलंका में जाके बस गए हैं। स्पेशली यहाँ पे पार्टीशन के बाद जो हैं ये सारे लोग अपनी मर्जी से जाके श्रीलंका में बस गए। तो यहाँ पे ये जो लोग जाके बसे हैं ये बेसिकली पिछड़ा वर्ग नहीं है, ये अलग अलग यहाँ पे इन्होंने बिजनेस स्थापित कर लिए हैं, ये जो है इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस लोग हैं, ठीक है। तो आर्थिक रूप से समृद्ध लोग जो हैं, स्पेशली भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं ये यहाँ पे श्रीलंका के अंदर निवास कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ आप देखेंगे कि इनकी संख्या एज कंपेयर टू जो भारतीय मूल के तमिल हैं उनसे तो कम है, ठीक है, उनसे तो कम है, बट फिर भी यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज नंबर में जो है लोग यहाँ पे भारतीय मूल के लोग जो है श्रीलंका के अंदर निवास करते हैं, ठीक है। सो ये जो लोग भारतीय मूल के जो लोग श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं ये अपने कल्चर को भी वहां पे, अपनी कम्युनिटी को भी वहां पे प्रमोट करते हैं, जिसके लिए कई सारे त्योहारों को, कई सारे कल्चरल इवेंट्स को इनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। सो भारत जो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के लिए भी बेसिकली दोनों देशों के साथ यहाँ पे सहयोग करता है, ठीक है। एनर्जी के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। स्पेशली यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाएगी। ईस्टर्न पोर्ट जो स्पेशली त्रिकोणमली है वहां पे एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा बेसिकली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है दोनों देश एक दूसरे के अंदर करेंगे, ताकि जो एनर्जी क्षेत्र है उसमें दोनों देश यहाँ पे समृद्ध बन सके, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे पेट्रोलियम में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, बैंकिंग, फूड प्रोसेसिंग, हर क्षेत्र के अंदर भारत जो है यहाँ पे बेसिकली सहयोग कर रहा है। एक चीज और है, भारत जो है टूरिज्म के क्षेत्र में भी, दोनों देश यहाँ पे श्रीलंका भी और भारत भी, दोनों देश जो है टूरिज्म के क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोगी हैं। कैसे सहयोगी हैं? भारत के टोटल टूरिज्म का 20% जो भाग है वो श्रीलंका के टूरिस्ट भारत में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इंडियन रेलवेज ने भी स्पेशल पैकेज चलाए हुए हैं। उसके अलावा भारत श्रीलंका के टूरिस्ट को ई वीजा प्रदान करता है, ठीक है, इंडियन रेलवेज ने भी इनके लिए स्पेशल पैकेजेस चलाए हैं। उसके अलावा ई वीजास भी भारत की तरफ से श्रीलंका के टूरिस्ट जब भारत में आते हैं वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भारत पुश कर रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो ईडीसीए है, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये बढ़ाया जा सके। इस नए एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे दोनों देश जो है साइज करें और एक दूसरे के संबंधों को बेहतर करें। अगर ये ईटीसीए साइन हो जाता है तो ये सेपा को, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिप्लेस कर लेगा, और यहाँ पे दोनों देश जो है ना केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से बल्कि सर्विसेज और टेक्निकोलॉजिकल क्षेत्र के अंदर भी एक दूसरे के साथ यहाँ पे साझेदारी करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हर तरीके से हमने देख लिया कि दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ यदि संबंधों को बेहतर करते हैं तो दोनों देशों के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन है, यहाँ पे किसी एक देश के लिए बेसिकली ये हितकारी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे सीधा सीधा हम देखें कि दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक, भौगोलिक एक निकटता हम देखने को मिलती है। इतिहास के पन्नों से, रामायण काल से, बुद्ध के काल से हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों देशों के बीच में कल्चर में एक सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसीलिए दोनों देशों को एक दूसरे के यहाँ पे परस्पर संबंधों पर काम करना चाहिए। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर बेसिकली हमें करना क्या है, हमने सेल्फ रिलायंट होते हुए
आत्मनिर्भर होते हुए हमें जो है अपने जो संबंध है, आर्थिक संबंध है, भौगोलिक संबंध है, उनको बेहतर करने का समय समय पे बेसिकली प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल हस्तक्षेप है, वो बेसिकली यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं। और हमें अपने मतभेदों को दूर करना होगा। यहाँ पे तमिल समस्या को बेसिकली ऑलमोस्ट रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। यहाँ पे किसी भी देश के लिए, स्पेशली यहाँ पे इकोनॉमिक टर्मोइल जो है यहाँ पे देखने को मिला था श्रीलंका के अंदर, तो यहाँ पे आप किसी भी कम्युनिटी को अगर अलग थलग करके नहीं छोड़ सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे तमिल जो जनसंख्या है, एक टोटल जनसंख्या जो श्रीलंका की है, उसमें एक लार्ज नंबर जो है वो तमिल्स का है, तो आप इनको छोड़कर नहीं चल सकते हो। तो यहाँ पे तमिल समस्या का भी समाधान करना होगा। बट उसके अलावा दोनों देशों को अपनी दूरियों को दूर करके एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इसलिए ये किसी एक देश के लिए लाभकारी नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लिए हितकारी होगा। इसके साथ ही हमारे संबंधों पे चर्चा खत्म होती है। ये था हमारा भारत श्रीलंका संबंध। आई विश कि चीजें बहुत बढ़िया से समझ आई होंगी। कल की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट।